नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पूर्व सांसद राजीव रंजन और पप्पू यादव अपने समाज सेवा के लिए हमेशा से जाने जाते हैं, चाहे वो पिछले साल के बारिश के बाद जलजमाव में पटना वासियों का मदद का मामला हो या इस बार बिहार के बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों का। जब तक वो दिल्ली में थे, दिल्ली से उन्होंने प्रवासी बिहारियों को मदद पहुंचाई। कुछ दिन पहले पटना पहुंचे, आजकल रोज पहुंच जाते हैं पटना के मीठापुर बस स्टैंड में। और आज सीमांचल में रहने वाले बिहारी मजदूर जो मीठापुर से पटना में रह रहे हैं और पटना से अपने गांवों को जाने के लिए हैं, उनके लिए भी आज 4 बसों का इंतजाम कराया। जी हां, गाहे बगाहे मत कहिए, हमेशा पप्पू यादव आज 3 दिनों से जो भी मजदूर शिल्पांचल उनका क्षेत्र रहा है, मधेपुरा से वो सांसद के रूप में जीते थे, तो उन्होंने आज फिर से 4 बसें दी। 4 बसों से उन्होंने मजदूरों को रवाना किया और साथ ही साथ जिम्मेदारी थी। अब 10 रुपये 20 रुपये नहीं रहते हैं। हम लोगों ने शुरू से ही, जब ट्रेन खुली और लॉकडाउन हुआ, तो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि आप जो लोग आते हैं उनको कम से कम यहाँ से जाए तो पानी और खाना के बीच में जाए। हर परिस्थितियों में खाना और पानी पर कोई समझौता नहीं हो। लेकिन जब गंभीरता देखी गई कि मजदूरों के जेब में कोई पैसा नहीं होता, मजदूर परेशान होते हैं और सरकार अपने ट्रांसपोर्ट से उनको भेजना चाहिए, सरकार ने वो काम नहीं की, इसलिए जन अधिकार पार्टी ने मधुबनी, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा के लोगों के लिए सुबह सुबह गाड़ी जाए, क्योंकि शाम तक लोग यहाँ घूमते, उनको इधर से उधर भटकने पड़ते हैं। और अररिया, पूर्णिया, कटिहार या तत्काल फ्री सेवा 10-30 जून तक चलाने का निर्णय लिया गया। आज से 4 बस शुरू हो रही है, जरूरत होगा तो और बस भी बढ़ाए। अपना जो तेवर है वो नीतीश कुमार पर दिखाई दिया, कहा कि इस महामारी के दौर में नीतीश ने तो मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, बरसते उनको लाठियों से जरूर पिटवाया। आगे देखा जाए पप्पू यादव और भी ऐसा क्या कुछ कर रहे हैं अपने नॉर्थ बिहार, अपने सीमांचल के लिए, कितनी बसें खुलवाते हैं, कितने लोगों को मदद पहुँचाते हैं। इन सारी खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ, हम पल पल की खबर आपके यहां पहुंचाते हैं और वो भी सबसे पहले। नेशन भारत चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।